हाँ, जो बोल रहा है हम लोग जो इसको करने जा रहा है वो है दिस वन, फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ये लॉजिक का डेफिनेशन हम लोग क्लास 11 में शुरुआत का एक क्लास था उसमें हम लोग देखा था कि एम्पियर का, जब हम लोग एम्पियर जो है एम्पियर का जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ने गया था उधर पे देखा था ये चीज। जब मैं इसको पढ़ा दूंगा उसका, तो वो एम्पियर का जो डेफिनेशन था उसका साथ मैच करके देखो। हाँ, बोलेगा कि हाँ सर इधर से ही बोला था उस समय। तो लेट्स सी क्या होता है। देखो इसमें हो क्या गया है कि दोनों तार है एंड हैविंग द सेम डायरेक्शन, हैविंग द सेम डायरेक्शन, और इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। इधर से जाके इधर मरकरी है, मरकरी यू नो मरकरी इज अ मेटल व्हिच इज इन लिक्विड सिचुएशन इन रूम टेम्परेचर, यू नो इट। तो इसको दिया है, अगर स्विच ऑन करेगा तो देखोगे कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। दैट मीन्स क्या होता है कि एक दूसरे को अगर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यू विल सी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। टू वेयर आर फाउंड क्लोजर इट टू इच अदर इंडिकेटिंग अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, इंडिकेटिंग अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। दो तो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट वन में वही है कि अगर इधर से प्लस है और इधर माइनस है, अगर देखोगे कि दो ठो वायर पे करंट फ्लो हो रहा है, तो दो ठो वायर पे अगर करंट फ्लो होगा दैट मीन क्या होगा, दैट मीन्स क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं। समझ गए। सो एक साइड में प्लस और एक साइड में माइनस हो गया, तो अट्रैक्शन करते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग एक्सपेरिमेंट टू में। एक्सपेरिमेंट टू में क्या होता है, देखो एक्सपेरिमेंट टू ये होते हैं, देखो इधर से वायर गया इधर गया एंड ये तार घूम के इधर आ गया, दिस इज उल्टा डायरेक्शन कर दिया। इधर क्या किया था, दोनों अगर तुम दोनों सर्किट के अंदर अंतर देखोगे यू विल सी व्हाट। इसमें देखो सेम डायरेक्शन है क्योंकि दोनों तार को सेम का तार का साथ ज्वाइन करा दिया, तो क्या होता है इधर से प्लस गया है तो इधर से आया, सो ये फिर माइनस घुस गया। सो दैट मींस इसमें क्या हो जाता है कि ये वाला पार्ट जो लगा हुआ है तो ये प्लस है, तो हम लोग जानता है प्लस थ्रू माइनस करंट फ्लो होता है, तो सिंपल सा बात होता है दिस इज प्लस, आ गया इधर प्लस, फिर घूम के इधर से माइनस हो गया। तो देखोगे कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दिट इज ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। सो क्या होता है, अगर दोनों वायर एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा दैट मीन्स वी कैन से इट विल रिपेल इच अदर। इफ करंट फ्लोज टू वे टू वायर्स, इफ करंट फ्लोज इन टू डायरेक्शंस That means it is attracting each other. If current flow in the opposite direction, that means we could say it is flowing in the opposite direction. अगर opposite direction में that means it will repel to each other. समझ गए? Same direction flowing of current, attraction force काम करेगा. Opposite direction क्या होगा? Repulsive force काम करेगा. That is the logic. समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तुम लोग का सबका सुनाई दे रहा है? तो यस सर। सर दे रहे हैं ना कि तुम लोग लॉग इन करके सो रहा है, क्योंकि हम देख रहा था शुरुआत से यस सर किसी का पास रेस्पॉन्ड बहुत कमती आ रहा है।
तो मैं सुबह सुबह आके गुड मॉर्निंग बोल रहे, 10 का बच्चा 2 बच्चा रिस्पॉन्स किया है। आइधर तुम लोगों को सुनाई दे ही नहीं दे रहा है, नहीं तो तुम लोग ये कर रहा होगा कि लॉग इन करके सो रहा होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तुम लोग तो इतना खराब बच्चा नहीं है कि टीचर जब जो गुड मॉर्निंग बोलता है उसको साइलेंट करने से इग्नोर करना बेटर है, इतना खराब बच्चा तुम लोग नहीं है। आइधर नेटवर्क प्रॉब्लम इश्यूज होगा शायद, रेस्पॉन्ड करना। हाँ एनीवे, एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, करंट कैरिंग वायर्स जो है, एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स जो है, तो इसमें देखो दो ठो करंट फ्लो कर रहे हैं I1 एंड I2, एंड दोनों का अंदर में डिस्टेंस जो है दैट इज R, दोनों का अंदर में डिस्टेंस जो होता है R डिस्टेंस होता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई द आई वन एट एनी वेयर क्या होता है कि B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई R1, सॉरी 2 पाई R है, म्यू नॉट I1 इज इक्वल टू 2 पाई R, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई द करंट I1 होता है। ये I1 करंट जो फ्लो हो रहा है, एंड सेकेंड पार्ट जो है सो देखो इसमें, देखो इसमें I1 करंट कौन प्रोड्यूस करता है, AB वायर जो है वो I1 करंट प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो CD जो वायर है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, I2 करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो I1 का बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है, ये जगह में होगा। समझ में नहीं आने से मुझे बताओगे, ठीक है? तो ये जो B1 है, ये B1 किसका वजह से हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है बोल के, तो ना यस सर, और ये जो I2 करंट फ्लो हो रहा है इसका वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डेफिनेटली ये B2। डेफिनेटली अंडरस्टूड? और यस तुम सर। लोग ये जानते हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तब क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तब क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब व्हेन इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन देन क्या होता है, हम उल्टा बोल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होने से अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने से रिपेल करते हैं। दैट्स व्हाई, तो दिस पार्ट जो फ्लो हो रहा है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें बन रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है B1। B1 किसका वजह से हो रहा है, मैं ऑलरेडी डायग्राम तुम लोगों को दिखा दिया, I1 का सिचुएशन कौन है सिचुएशन और कौन है I1 का पार्ट क्या है और B1 का पार्ट क्या है। I1 का पार्ट मतलब I1 कहां पर है और B1 कहां पर है, दिस इज I1 एंड दिस इज B1, I1 का वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो देखो अगर फोर्स जो ये I1 हो गया, B1 हो गया, B1 का इक्वेशन है। अब देखो फोर्स, देखो द फोर्स एक्टिंग ऑन लेंथ एल ऑफ द वायर CD, ऑफ द वायर CD अगर होगा, CD मतलब कौन सा वाला है, ये वाला है CD, तो ये CD का वजह से जो फोर्स वो अप्लाई कर रहा है दैट वुड बी व्हाट, ये फॉर्मूला हम लोग मिल चुका है, ILB sin थीटा। I2LB1 sin थीटा कहां से आ गया, फोर्स किसका वजह से हो रहा है, CD का वजह से। तो CD में क्या करंट फ्लो हो रहा है, I2 है, L मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर, B1 मतलब क्या होता है, ये जो वायर है वायर का ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है बाय द I1 करंट ऑफ AB, तो दिस इज B1, एंड साइन थीटा क्या होता है, ये जो
ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दिस इज 90 डिग्री में परपेंडिकुलरली, क्योंकि देखो इधर से करंट फ्लो हो रहा है और फोर्स अप्लाई हो रहा है इस ढंग से, दैट मींस क्या होता है 90 डिग्री हो गया फोर्स और बी के साथ ठंडा हुआ फोर्स और बी वन का साथ जो एंगल बनता है दैट इज 90 डिग्री, तो दिस इज साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री अगर होगा सो इसमें साइन 90 का वैल्यू कितना है 1 हो जाता है, आई टू एल हो गया और बी वन का जो वैल्यू है ऑलरेडी हम लोग इधर से निकल चुका है दैट इज बी वन, पुट कर दिया बी वन ये वैल्यू, तो दैट मीन्स इसमें क्या आ जाता है I1, I2, L और म्यू नॉट बाई टू पाई आर। F2 का वैल्यू क्या बनता है म्यू नॉट I1, I2 बाई टू पाई आर इंटू एल, दिस इज फोर्स टू, दैट मीन्स फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है F2 बाई L, F2 बाई L होता है, ये वाला पार्ट बाई एल लगाओगे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ये बन गया। बताओ क्या प्रॉब्लम है? हाँ बोलो सर, वो F2 में जो डिवाइड इक्वल टू I2 IB1 sin थीटा बाय R स्क्वायर नहीं होगा डिवाइडेड बाय ये वाला जो बोल रहा है? हाँ नहीं नहीं ये फॉर्मूला मैं तुमको दिखाऊंगा, ये R स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है वो, मैं तुमको दिखा दूंगा इसको जस्ट अ मिनट। तो ये फॉर्मूला ही हम लोग उसमें पुट किया है, आई एल वी साइन थीटा उसको पुट कर दिए ये वैल्यू आया। बता तुम लोगों का समझ में आया कुछ? फिर इधर देखो कि व्हेन द करंट ऑफ टू वायर्स आर इन द सेम डायरेक्शन द फोर्सेस बिटवीन देम इज अट्रैक्टिव। क्या होता है जब दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है, दैट मींस क्या होता है दे आर अट्रैक्टिव टू इच अदर, हम लोग पढ़ा है। तो हम लोग लिख सकते हैं F1 is equal to minus F2, हम लोग लिख सकते हैं कि एक दूसरे का तरफ जा रहा है, तो उसको हम लोग लिखता है कि F1 is equal to minus F2 and in 4.81b जो है 4.81b जो है इसमें क्या होता है देखो इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है करंट, ये हो रहा है सेम डायरेक्शन सो इट इज अट्रैक्टिव और दिस इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो क्या होता है इट विल बी रिपल्सिव, सो दैट मीन्स एफ वन माइनस एफ टू हो गया और ये व्हेन द करंट इन द टू पैरेलल वायर्स फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शंस द फोर्स बिटवीन द टू वायर्स इज रिपल्सिव, ये पार्ट हम लोग ऑलरेडी बोल चुका है। अभी पैरेलल करंट अट्रैक्ट्स एंड एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल, अल्टीमेटली व्हाट कंक्लूजन वी हैव कम थ्रू इट। So, parallel current attracts and anti-parallel currents repels. समझ गए? अब आ जाता है हम लोग definition of the ampere. जब क्या होता है कि देखो I1, I2 जो current है 1 ampere होगा, दोनों का अंदर में distance होगा 1 meter. देन क्या होता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है दोनों का अंदर में फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है 2 इनटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन मीटर इनवर्स, म्यू नॉट बाई 2 पाई इसमें क्या फॉर्मूला आता है 2 इनटू 10 टू द पावर माइनस 7, दिस इज द फोर्स पर मीटर इनवर्स। चला जाता है हम लोग नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज में क्या बोल रहा है मैं दिखा रहा हूं, वन एम्पियर
हम लोग 1 एम्पीयर का डेफिनेशन क्लास 11 में सीखा था, जो कि ये डायरेक्शन से हम लोग सीखा था. 1 एम्पीयर इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट. 1 एम्पीयर क्या होता है? इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट व्हिच ऑन फ्लोइंग इन ईच टू पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, टू पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन प्लेस्ड इन वैक्यूम. दोनों वायर को अगर वैक्यूम में रखोगे, दोनों का अंदर में डिस्टेंस अगर 1 मीटर होगा, तो इट प्रोड्यूसेस बिटवीन देम अ फोर्स ऑफ 2×10⁻¹ न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ. देखो कितना वैल्यू आया, फोर्स पर मीटर लेंथ. F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2π. दैट इसका वैल्यू कितना है, फोर्स 2×10⁻¹. That is न्यूट्रॉन पर मीटर ऑफ लेंथ. तो क्या हो जाता है कि 1 एम्पियर करंट को हम लोग वो कहते हैं, दो पैरेलल इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर्स. हम लोग दोनों पैरेलल देखो, इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर्स. ये कंडक्टर्स जो है, ये कंडक्टर्स का लेंथ कितना होगा, वी डोंट नो, राइट? तो ये डेफिनेशन इधर से देखो, मैं दिखा रहा हूं. नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, देखो ये जो कंडक्टर्स है, ये जो वायर है, इट हैज नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन प्लेस्ड इन वैक्यूम. ये दोनों को मैं क्या करूंगा, वैक्यूम में रखेगा, और ये दोनों का अंदर में डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर होगा. 1 मीटर कैसे पता चला, इसमें तो आर ही लिखा हुआ है, देखो इससे पता चलेगा, आर इज इक्वल टू 1 मीटर. दोनों इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर हैविंग एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल, हैविंग एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल, एंड द कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन वैक्यूम. दैट मीन्स एक दिन एक वायर दूसरा वायर का ऊपर फोर्स पर यूनिट लेंथ, अगर एक वायर दूसरा वायर का ऊपर फोर्स पर यूनिट लेंथ 2×10⁻¹ न्यूटन अप्लाई करेगा, पर मीटर में 2×10⁻¹ न्यूटन अगर फोर्स अप्लाई करेगा एक वायर दूसरा वायर का ऊपर, मतलब क्या हो गया? बहुत अच्छे से बट को समझो कि ऐसा होता है, मान लो दो ठो तार रखा हुआ है जिसका लेंथ है इनफाइनेटली लॉन्ग, जिसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है तुम्हारा नेग्लिजिबल, राइट? एक दूसरे का अंदर में डिस्टेंस कितना है, इट इज 1 मीटर. अगर एक दूसरे का अंदर में फोर्स अप्लाई हो रहा है पर मीटर में फोर्स अगर 2×10⁻¹ न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स वी कुड से दोनों कंडक्टर थ्रू 1 एम्पियर करेंट फ्लो हो चुका है. दैट मीन्स वी कुड से दोनों कंडक्टर थ्रू 1 एम्पियर करंट फ्लो, स्टेडी करंट फ्लो हो चुका है. देखो लिखा हुआ है, 1 एम्पियर इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट व्हिच ऑन फ्लोइंग इन ईच ऑफ द टू पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर्स ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर प्रोड्यूसेस देम अ फोर्स 2×10⁻¹ न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ. 2×10⁻¹ न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ. सो दैट इज कॉल्ड 1 मीटर. दैट इज कॉल्ड 1 मीटर स्टेडी करंट. बताओ क्या प्रॉब्लम है? किसी का कोई डाउट है? नो सर. सो ये पार्ट हो गया. सो इसमें स्टेडी करंट 1 एम्पियर इन सेटअप इन ए कंडक्टर, देन क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना होता है, फ्लोस थ्रू इट होता है कि तुम्हारा 1 सेकंड में कॉल्ड 1 कूलम. देखो आई इज इक्वल टू होता है कि क्यू बाय टी. आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय टी. सो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई डॉट टी.
Q is equal to होता है I dot T. I मतलब हो गया 1 एम्पियर, T मतलब हो गया सेकंड. तो डेफिनेशन ऑफ द कूलम पर इन टर्म्स ऑफ द एम्पियर होगा. दैट मींस वी कैन से स्टेडी करंट 1 एम्पियर मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट फ्लोस थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकंड. 1 एम्पियर मतलब वही होता है द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज. जितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज एक सेकंड में पास होता है उसको हम लोग कहते हैं 1 कूलम. कोई एक कंडक्टर में अगर 1 एम्पियर स्टेडी करंट फ्लो होता है, अगर क्वांटिटी जितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो होता है कंडक्टर थ्रू इन 1 सेकंड में, दैट इज नोन एज 1 कूलम. बताओ समझ में आया कि नहीं? और एक बार फर्स्ट हमें जानना पड़ेगा कि करंट का जो फ्लो होता है दैट इज व्हाट. करंट का जो फ्लो होता है दैट इज व्हाट. सिंपल सा बात है, I इज इक्वल टू Q by T. सो Q इज इक्वल टू क्या होता है, I dot T, राइट. तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक कंडक्टर थ्रू 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है एक सेकंड में. एक कंडक्टर थ्रू एक एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है एक सेकंड में. अगर फुल फ्लो हो रहा है दैट मीन्स उसका वजह से जितना अमाउंट ऑफ चार्ज वो कंडक्टर थ्रू फ्लो हो गया है दैट इज नोन एज 1 कूलम. दैट इज नोन एज 1 कूलम. अगर कोई कंडक्टर थ्रू 1 एम्पियर चार्ज फ्लो हुआ है एक सेकंड में, एंड 1 एम्पियर चार्ज नहीं है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ है एक सेकंड में, दैट मीन्स वही एक सेकंड के अंदर में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ है दैट इज कॉल्ड द 1 कूलम. बी केयरफुल, एक कंडक्टर थ्रू वो हम देख रहे हैं कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है एक सेकंड में. सो दैट मीन्स वही कंडक्टर थ्रू कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, एंड दैट इज 1 कूलम. बोलो क्या तकलीफ है? Anybody has an issue? No, sir. No, sir. Okay. ठीक है. Next आ जाता है ये वाला पार्ट में, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. इसमें देखो, इसमें दो साइड में एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा गया है, दैट इज पी क्यू आर एस, व्हिच इज सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. व्हिच इज सस्पेंडेड मतलब क्या होता है, लटका के रखा है इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, विथ इट्स एक्सिस पैरेलल परपेंडिकुलर टू द फील्ड. ये देखो फील्ड क्या होता है, ये साइड में नॉर्थ और ये साइड में साउथ है. नॉर्थ साउथ जो है इसमें क्या होता है, नॉर्थ साउथ है, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज परपेंडिकुलरली विद द मैग्नेटिक फील्ड. इसका परपेंडिकुलर क्या है, दिस वैल्यू किसका परपेंडिकुलर है, ये जो तुम्हारा रेक्टेंगुलर कॉयल है, ये रेक्टेंगुलर कॉयल जो है इसका एक्सिस क्या है, दिस डॉटेड लाइन, और उसका परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड. नॉर्थ साउथ मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इट्स सिंपल टू से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और एक्सिस का डायरेक्शन क्या है, राइट. तो दिस इज परपेंडिकुलर टू इच अदर. सो अगर तुम इसको सस्पेंड करके रखोगे, जो क्या था, दिस इज मूवेबल, ये पी क्यू आर एस जो है दिस इज मूवेबल. सो अगर मूवेबल होगा
ये वाला जो एंगल है, ये एंगल को हम लोग पकड़ता है थीटा. जस्ट अ मिनट. ये एक्सिस को ले लो, ये आर क्यू जो एक्सिस है उसको इधर बैठाया. तो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इसका फोर्स देखो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ऑपोजिट फोर्स ये डायरेक्शन पे जा रहा है. देखो ये इधर क्या काम हो रहा है, अपवर्ड फोर्स काम कर रहा है, और इधर क्या कर रहा है, डाउनवर्ड फोर्स काम कर रहा है. ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है. सो इसका साथ, ये दोनों का साथ जो परपेंडिकुलर लाइन काम करते हैं, दैट इज व्हाट दिस पार्ट. ये परपेंडिकुलर लाइन है. अभी इधर से जब तुम इसको खींचेगा तो इधर एंगल हम लोग कौन सा एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, ये एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज थीटा. अभी अगर ये थीटा होगा दैट मींस देखो ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट विल बी व्हाट. सिंपल सा बात है, साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग पकड़ सकते हैं पी बाई ए. पी मतलब क्या होता है, मान लो ये होता है दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस वैल्यू इज परपेंडिकुलर, और ए डिस्टेंस क्या होता है, दिस इज हाइपोटेन्यूज डिस्टेंस, दिस इज ए. दैट मीन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई ए होता है. सो पी इज इक्वल टू क्या होता है, ए साइन थीटा. P is equal to क्या हो गया इसमें, A sin theta हो गया. हमको समझ नहीं आया. ये वाला एक rectangular coil है. PQRS is a rectangular coil. Initially क्या स्टेज में था वो, initially उसका स्टेज क्या था, ये स्टेज में था. अब क्या हुआ है, उसको जब तुम घुमाया घूम गया ही. तो ये जब घुमा रहा है तो देखो ये डायरेक्शन में क्या फोर्स काम कर रहा है, ये ब्लू कलर जो है क्या हो गया, ये ऊपर में आ गया. सो दिस इज अपवर्ड फोर्स काम कर रहा है, और ये काम कर रहा है डाउनवर्ड फोर्स काम कर रहा है. तो ये वाला जो एंगल बना है, ये एंगल जो बनाया है, ये एंगल को कहते हैं हम लोग, ये वाला एंगल ले रहा है, दैट इज थीटा. इफ इट इज थीटा, ये वाला जो ट्रायंगल क्रिएट हो गया वो ट्रायंगल को इधर शो कर रहा है. ये वाला जो एंगल शो कर रहा है दैट इज इसको थीटा पकड़ा है. ये जो हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू है दैट इज ए. So, मैं अगर ये वैल्यू, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को शो करेगा दैट वुड बी व्हाट, उसको तुम इमेजिन करो दिस इज पी. अगर मैं ये एंगल लेके काम करने जाते हैं तो दिस इज साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई ए साइन थीटा, पी बाई ए. प्रिया डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर. तो ये P इज इक्वल टू ए साइन थीटा बन गया. मेरा काम क्या है, अब देखो मैं डेरिवेशन में आ जाता हूं.
टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं दिखाया था तुम लोगों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसका वैल्यू हम लोग ए साइन थीटा निकाल के रखा था। दैट मींस ये क्या होता है फोर्स का वैल्यू और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो वैल्यू अगर होगा, फोर्स मतलब होता है आई बी बी। आई बी बी क्या होता है, हम लोग मालूम था कि ये वाला जो फोर्स है दैट इज वो, ये वाला को हम लोग एल कह रहे हैं। आई एल बी फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ के आया, वो एल का जगह में हम लोग क्या लिख रहा है, बी लिख रहा है। लिख रहा है एल का जगह में बी लिख रहा है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, ए साइन थीटा। अगर इसको लिखेगा मैं तो देखो ये वाला जो बी और ए है ना, इसको पुट करो। ये वाला ए जो है और ये वाला जो बी है, ये दोनों को इनटू करने से क्या होता है एरिया। सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड। तो देखो इसमें हाँ बोलो, पी क्यू जो बी है ना, पी क्यू इज द बी, यस। तो दिस इज बी एंड दिस इज ए। तो ये अगर ब्रेथ हो गया, एक रेक्टेंगुलर का एरिया का फॉर्मूला क्या है, ए और दिस इज बी, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब क्या हो गया, दिस इज ए इनटू दिस इज बी। तो ए इनटू बी हो गया कैपिटल ए, मतलब कैपिटल ए मतलब एरिया। टाउ इज इक्वल टू होता है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स मतलब आई एल बी फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ के आया, वो एल का जगह में इधर बी लिखा है, टोटल लेंथ। तो ये बी और ये ए, ये दोनों का अंदर इनटू करने से क्या आता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आता है, दैट इज ए। सॉरी ये ए आया। अगर मान लो ये जो हम लोग टाउ निकला है, मतलब टॉर्क निकला है, मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स निकला है, दिस इज फॉर वन रेक्टेंगल। अगर n टाइम्स होगा टॉर्क, अगर तुम इसके रेक्टेंगुलर लूप जो है n टाउन्स है, एक नहीं है, n नंबर्स ऑफ है, देन कुछ नहीं है, इसको चेंज करके हम लोग n i b a लिखोगे। एक टाउन्स के लिए टॉर्क है i b a sin theta, तो n नंबर ऑफ टाउन्स के लिए क्या होगा, n i b theta, राइट। एन आई ए जो है एन आई ए को हम लोग एम लिख सकते हैं, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। एन आई ए इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट होता है। सो दैट्स वाई एनआईए को एम अगर लिखोगे तो एम इंटू बी साइन थीटा हो गया। अगर एम बी साइन थीटा होगा दैट मींस क्या होता है, इसमें एम क्रॉस बी हो जाएगा। ये टॉर्क का वैल्यू, ये टॉर्क का वैल्यू जीरो हो जाएगा अगर थीटा का वैल्यू जीरो होगा। तो अगर कोई रोटेशन नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, अगर जीरो हो गया दैट मीन्स नो टॉर्क ओवर देयर। सिंपल बात है, इधर जीरो पुट करो। सिंपल सा बात होता है कि इधर जीरो पुट करो, साइन जीरो का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो टॉर्क बन गया क्या, जीरो बन गया। समझ में आया,
सर ये मैग्नेटिक मोमेंट जो वो आगे पड़ेगा हम लोग डाइपोल मोमेंट पढ़ा था ना हाँ इसमें मैग्नेटिक मोमेंट इसका लॉजिक मैं अभी तुमको बता देते हैं डाइपोल मोमेंट क्या था q into 2a था इसमें हो रहा है कि इसमें क्या होता है एक साइड में नॉर्थ है दूसरा साइड में साउथ भी हो सकता है नॉर्थ भी हो सकता है व्हाट एवर इट कैन बी अभी दो मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि मान लो इसमें है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मान लो इसमें भी x है इसमें भी x है मान लो कुछ भी है तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ अगर ये होगा तो दैट मीन्स और ये दोनों का अंदर में अगर डिस्टेंस 2a होगा देन मैग्नेटिक मोमेंट या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है मान लो x into 2a मतलब आइदर स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस जो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था क्या था वो p था p मतलब क्या था q इंटू टू ए मतलब आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस और इसमें क्या लिखेगा आइदर स्ट्रेंथ इंटू टू ए गेट माय पॉइंट And which is denoted by m इसको m से denote करते हैं ठीक है yes sir अगर बोले जो थीटा जो है ये थीटा जो है if it is 90 degree तो क्या हो जाता है sin 90 degree का वैल्यू कितना होगा वन होता है दैट मींस टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया एन आई बी ए साइन 91 हो गया दैट मींस क्या होता है मैक्सिमम फोर्स प्रोवाइड होता है टॉर्क होता है मैक्सिमम अगर क्या होता है एंगल 90 डिग्री होता है दिस इज टाउ मैक्स तो वहां में एन आई ए जो मैग्नेटिक को नहीं मैग्नेटिक डाइपोल कैसे हो गया ना ये तो एन आई ए है ना इसको भी मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं अलग फॉर्मूला से दिखा रहा है मैं तुमको एक्चुअली अलग से एक्चुअली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट क्या होता है वो मैं समझा रहा था ये एन आई ए जो फॉर्मूला है एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आई मतलब फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यार ए मतलब हो गया एरिया इसमें तो कोई डाइपोल मतलब इसमें कोई लाइन नहीं है ना इसमें रेक्टेंगुलर स्पेस है तो उसमें जो तुमको एरिया फिर ये सब लेना है तो ये सब फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट फॉर दिस रेक्टेंगल के लिए ये फॉर्मूला होगा लेकिन डाइपोल मोमेंट फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक का कंसेप्ट मोर और लेस सेम उसमें था आइदर चार्ज इसमें क्या होगा आइदर स्ट्रेंथ हम लोग पड़ेगा इसका ऊपर पड़ेगा और इसमें रेक्टेंगल है ना लाइन कहाँ है इसमें सर और एक चीज पूछेगा बोलो वो जो रेक्टेंगल में जो फोर्स है ना वो ऊपर और नीचे कैसे लग रहा है वो तो साइड मतलब आगे तरफ नहीं लगेगा क्योंकि पेज तो टू डायमेंशनल पेज है तो इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है ये तो घूम रहा है ना रेक्टेंगुलर हां तो मूव कर रहा है थ्री डायमेंशनल पिक्चर है तुम्हारा पेज है टू डायमेंशनल तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो सर वही थ्री डायमेंशनल होगा तो फोर्स तो उसको आगे तरफ धकेल रहा है ना तभी तो वो घूमेगा फोर्स आगे तरफ हाँ मतलब कैसे बोलेगा पेज का ऊपर कैसे जाएगा फोर्स ऊपर नहीं जाएगा ये उस तरफ अंदर तरफ जा रहा है हाँ ये अंदर तरफ जा रहा है ये इधर तरफ आ रहा है ये जो डायरेक्शन है इस तरफ जा रहा है और ये क्या आ रहा है अंदर तरफ घुस रहा है ऊपर चला कैसे जाएगा ये तो इधर तो लॉक करके रखा है ना तो रोटेट होता है ये पार्ट वही हम सोचे तो ऊपर कैसे जाएगा मैंने ऊपर से नहीं जाएगा बुशरा कुछ बोल रहा था बोलो
सर वो जो टाउ इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, उसका जस्ट नीचे में जो आप आई बी बी लिखा है ना, हाँ तो सर फोर्स में ऐसा नहीं था क्या, आई एल बी साइन थीटा, तो इसमें वो साइन थीटा, एल बी साइन थीटा था, तो एल बी जो साइन थीटा है इसमें जो एंगल लेके काम कर रहा है वो साइन थीटा को पीछे लगा दिया, तो साइन थीटा यूज किया है, तो सर वो तो वो पी का है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, एक सेकंड को मैं बता देता हूं। देखो एक्चुअली ये लाइन को एक बार देखो, ये वाला जो लाइन है पी क्यू आर एस को सस्पेंड करके रखा है विद द मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स एक्सिस, मतलब पी क्यू आर सस्पेंड किया है और पी क्यू आर एस का एक्सिस जो है विच इज परपेंडिकुलर विद द मैग्नेटिक फील्ड, रेक्टेंगुलर पॉइंट पी क्यू आर एस जो है उसका एक्सिस के साथ मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज 90 डिग्री, तो इसीलिए आई एल बी साइन थीटा जो है थीटा का वैल्यू कितना हो गया 90 हो गया, उसका वजह से क्या हो गया वो गायब हो गया, साइन 90 का वैल्यू कितना है 1 है, वो चला गया। ठीक है, यस सर। Anybody has any issue on it? No, sir. चलो प्रोसीड करते हैं। ये चैप्टर में हम लोग जैसे पढ़ा था कि क्या है साइक्लोट्रॉन पढ़ा था, साइक्लोट्रॉन मैं बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है ये भी सिमिलर टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो ध्यान से इसको सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, यू नो व्हाट इज द गैल्वेनोमीटर? यस सर, यस सर। क्या होता है वो, सर्किट में करंट है कि नहीं डिटरमाइन करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, हाँ डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। सो अभी दिस इज द गैल्वेनोमीटर, नाउ यू हैव टू गो फॉर द प्रिंसिपल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। चलो इसमें जो पार्ट है और इसमें जो देखो इसमें जो लिखा हुआ डेफिनेशन में द गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच डिटेक्ट्स करंट इन अ सर्किट, the commonly used moving coil galvanometer is named so because it uses a current carrying coil, isme kya use hota hai, current carrying coil use hota hai which rotates in a magnetic field, it is rotating in the magnetic field, hum log kya karta hai isko rotate karta hai in magnetic field mein jiska hum log kehte hai ki moving coil galvanometer। अब क्या होता है देखो, प्रिंसिपल जो होता है अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ करंट डिपेंडेंट टॉर्क। जब एक करंट कैरिंग कॉइल, एक कॉइल है जिसको जब तुम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, इट एक्सपीरियंसेस अ करंट डिपेंडेंट टॉर्क, ये एक्सपीरियंस करते हैं करंट डिपेंडेंट टॉर्क होता है, जो कहता है विच टेंड्स टू रोटेट The coil produces angular deflection. मतलब क्या होता है, जब क्या होता है it tends to rotate करेगा definitely. कोई coil को अगर magnetic field में रखोगे तो क्या होता है deflect करता है, हम लोग पहले पढ़ के आया Lorentz force से शुरू किया था पढ़ना, Lorentz force का पहले lines पहले पेज से पढ़ना शुरू किया था, शुरू किया था ना कि कोई भी मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दो, वो तो छोड़ दोगे तो इट डिफ्लेक्ट्स, उसका बाद रॉड लेके लगाया था रॉड को भी, यस सर, हॉट शू मैग्नेट में क्या होता है डिफ्लेक्ट हो रहा था, यस सर। अब क्या हो रहा है कि देखो प्रिंसिपल ये होता है करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ करंट डिपेंडेंट टॉर्क,
current dependent torque, definitely, which tends to rotate the coil and produces angular deflection. Which tends to rotate the coil, जो क्या होता है, rotate करने के लिए कोशिश करता है और angular deflection बनाते हैं. ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल. छोटा छोटा क्वेश्चन है ये दोनों. अगर मान लो किसी का, मान लो ये चैप्टर कोई, मान लो ये तुम लोग तो पूरा थॉरली पढ़ के जाओगे डेफिनेटली, आई होप सो. बट मान लो कोई दोस्त बोल रहा है ये चैप्टर का मुझे कुछ भी पढ़ा रही है, मैग्नेटिक पॉइंट ऑफ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, तो तुम लोग एक चीज बता पाओगे कि एटलीस्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को थोड़ो कर ले और साइक्लोट्रॉन, उसको ये सजेस्ट कर सकते हो तुम, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एज वेल एज साइक्लोट्रॉन, ये दोनों को अच्छा से पढ़ के जाओ. ये चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन तुम एमसीजी मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और तुम लोग साइक्लोट्रॉन का ऊपर मिलेगा. इसीलिए मैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एज वेल एज साइक्लोट्रॉन का वीडियो मैं मेरे चैनल में रख रहा है. इतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये मेरे चैनल में, मैं उतना ही रख रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सभी इंपॉर्टेंट होता है लेकिन जो इंपॉर्टेंट होता है एज वेल एज उसको थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है. तो देखो क्या होता है इसमें. बेसिकली ये जो गैल्वेनोमीटर है, हाँ बताओ, करंट डिपेंडेंट टॉर्क मतलब क्या बोला है? अगर करंट फ्लोइंग नहीं होगा, टॉर्क नहीं होगा, वो कॉइल में अगर करंट फ्लो नहीं करोगे वो मूव नहीं करेगा. सर प्रिंसिपल, ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ करंट डिपेंडेंट टॉर्क व्हिच टेंड्स टू रोटेट द कॉइल एंड प्रोड्यूसेस एंगुलर डिफ्लेक्शन. क्या करते हैं? एंगुलर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करते हैं. चलो आ जाता कंस्ट्रक्शन में, पूरा पिक्चर जैसा लेके आ जाओ, कंस्ट्रक्शन में चला जाओ. मैं बता रहा हूं जिसका पास किताब है किताब को जरा खोल लेना, शुड बी हेल्पफुल फॉर यू. देखो ये वाला चीज मैं जो बता रहा हूं, कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ फाइन इंसुलेटेड कॉपर वायर. कहां है रेक्टेंगुलर कॉइल? लेट्स सी, ये जगह में देखो, दिस इज रेक्टेंगुलर कॉइल और ये जो कॉइल है इट इज फाइन इंसुलेटेड कॉपर वायर. ये कॉपर, ये क्या है? इंसुलेटेड कॉपर वायर एग्जिस्ट करते हैं, ओन्ड ऑन ए लाइट नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम. ये वाला जो फ्रेम है इसको कहते हैं फ्रेम. Just a minute. Huh? देखो ये वाला जो पार्ट है इसमें लिखा हुआ है कि a rectangular coil of fine insulated copper wire wound on a light non-magnetic metallic frame. मतलब ये होता है कि इसका अंदर पर क्या हुआ है कि insulated copper wire रखा हुआ है. ये insulated copper wire जो rectangular coil of fine insulated copper wire रखा हुआ है, it is wound on a light नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम. इसका चारों तरफ में एक फ्रेम रखा हुआ है विच इज लाइट मतलब हल्का और
नॉन मैग्नेटिक। मेटालिक फ्रेम का अंदर में ये इंसुलेटेड कॉपर वायर रखा हुआ है। कॉपर वायर सॉफ्ट होता है, उसको पकड़ने के लिए ये लाइट वेट एल्यूमिनियम थोड़ा मेटालिक फ्रेम बना रख के रखा है, तो जो कि हार्ड होता है और ये कॉपर वायर को पकड़ के रख सकता है। अब देखो क्या होता है, द टू एंड्स ऑफ द एक्सेल, अभी ये जो रखा हुआ है इसको क्या होता है, एक एक्सेल का ऊपर रखा हुआ है। एक बार और मैं बोल रहा है, ये वाला जो रेक्टेंगल का शेप देख रहा है, ये जो रेक्टेंगल शेप देख रहा है, वो रेक्टेंगुलर शेप जो है ये होता है इंसुलेटेड कॉपर वायर, और इसको पकड़ के रखने के लिए क्या किया है, लाइट वेट एक मेटालिक फ्रेम में यूज कर रहा है, क्योंकि कॉपर वायर बहुत सॉफ्ट होता है और उसका वजह से क्या हो गया कि वो खुल के निकल जाएगा नहीं तो, तो इसलिए एक लाइट वेट एल्यूमिनियम जो फ्रेम होता है उसमें उसको पकड़ के रखने के लिए उस फ्रेम का अंदर में ये कॉपर वायर को फिक्स करके रखा है। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल देख रहा है ये रेक्टेंगुलर शेप में लाइट वेट एल्यूमिनियम फ्रेम रखा हुआ है, जिसका अंदर में जिसका जिसको सपोर्ट में ये कॉपर वायर को रखा हुआ है रेक्टेंगुलर शेप में। राइट, नेक्स्ट है कि ये जो एक्सेल है, ये जो रॉड है, इसका थ्रू पास कराया, और ये रॉड को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेल कहते हैं। ऑफ दिस फ्रेम आर पाइवोटेड बिटवीन टू ज्वेल्ड बियरिंग्स, ये वाला पार्ट देखो, ये पाइवोटेड, ये दोनों क्या होता है, ज्वेल्ड बियरिंग्स लगा हुआ है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को ज्वेल्ड बियरिंग्स कहते हैं। नेक्स्ट है कि द मोशन ऑफ द कॉइल इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ हेयर स्प्रिंग, हेयर स्प्रिंग व्हिच वन, ये वाला देखो हेयर स्प्रिंग, दिस इज हेयर स्प्रिंग एंड दिस इज आल्सो हेयर स्प्रिंग, राइट। इसको मेड किसना है, किसका मेड है, मतलब किससे बनता है, फॉस्फर ब्रोंज, ये बनता किसमें है, फॉस्फर ब्रोंज का बनता है। The inner ends of the spring are soldered into two ends of the coil. Inner ends क्या होता है? ये जो soldered का, ये जो तुम लोग soldering जानते हैं, कोई भी circuit का अंदर में कोई wire को जोड़ने के लिए soldering use होता है। मतलब उसको metallic एक melted metal होता है, कुछ एक alloy का, तो उसका क्या होता है? उसमें सोल्डरिंग करके रखता है, सोल्डरिंग मतलब इसको चिपका के रखता है, मेटालिक मेल्टेड मेटालिक जो पार्ट है उससे क्या होता है, इधर चिपका के रखता है, इधर एज वेल एज इधर, और ये साइड में टर्मिनल निकाल के रखा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है अभी, आउटर एंड्स आर कनेक्टेड टू द बाइंडिंग स्क्रूज, इसको आउटर एंड जो है इसको बाइंडिंग स्क्रू से लगता है, ये वाला साइड में देखो बाइंडिंग स्क्रू है, अंदर एज क्या होता है, अंदर एज इसको सोल्डरिंग करके ये जो निकाल के रखा है दोनों, इधर से कॉइल जो निकला है, दिस इज बाइंडिंग स्क्रू यहां पर है। उसका बाद बोल रहा है कि द स्प्रिंग प्रोवाइडेड रिस्टोरिंग टॉर्क एंड सर्व एज करंट लीड्स, ये जो स्प्रिंग रखा, स्प्रिंग्स जो हेयर स्प्रिंग जो है, ये हेयर स्प्रिंग क्या प्रोवाइड करता है, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है डेफिनेटली। देखो इसका साथ एक पॉइंटर रखा हुआ है, व्हेन इट मूव्स, जब ये इधर से मूव कर रहा है, ये जब इधर से मूव करके जा रहा है, ये पॉइंटर जब इधर से इधर मूव कर रहा है, तो ये स्प्रिंग अगर रहेगा सोल्डरिंग करके, वो क्या करता है, रिस्टोरिंग टॉर्क लेके आएगा। हम लोग टॉर्क मतलब क्या जानता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये पॉइंटर अगर इधर से इधर आएगा फिर उसको अपना जगह में लेके आने के लिए ये स्प्रिंग काम करता है, क्योंकि चिपका के रखा हुआ है इसको। अगर ये रोटेट होगा, ये अगर रोटेट होगा इधर से इधर, सो क्या होता है, फिर अपना जगह में पहुंचा देते हैं। समझ में आया इतना तक? The aluminium light aluminium pointer attached to the coil measures its deflection on a suitable scale. इसमें क्या होता है? ये aluminium का एक light weight है, एक pointer इसमें लगा हुआ है।
attached to the coil measures its deflection on a suitable scale. At a suitable scale, ये measure करके रखा जाता है. I hope clear. Again, मैं शुरू से एक बार बोल देते हैं. First of all, ये जो rectangular part है, this is the इंसुलेटेड कॉपर वायर. इसको पकड़ के रखने के लिए क्या करते हैं कि एक लाइट वेट एल्यूमिनियम फ्रेम रख देते हैं और इसको एक एक्सेल का अंदर में रखते हैं और ये एक्सेल का क्या होता है, दो साइड में ज्वेल्ड बियरिंग रहते हैं और इसमें क्या करता है, हेयर स्प्रिंग रखता है जिसका इनर साइड होता है सोल्डरिंग करके रखता है, चिपका के रखता है और इधर से दो साइड में स्क्रू लगा के रखता है ये जगह में. और ये जो हेयर स्प्रिंग है इसका काम क्या है, जब ये पॉइंटर इधर से इधर घूमेगा उसको फिर अपना जगह में लेके आने के लिए ये हेयर स्प्रिंग काम करता है. तुम अगर रोटेट कराओगे तो फिर अपने जगह में आ जाता है, ये हेयर स्प्रिंग लगा हुआ है. ये कॉन्सेप्ट है. आई होप इतना तक क्लियर है तुम लोगों को. यस सर. हाँ बोलो सर. वो हेयर स्प्रिंग को एक्सेल बुलाना? नहीं, ये है एक्सेल, ये जो रॉड दिखाई दे रहा है ना, दिस इज एक्सेल. ये ब्लू कलर का जो रॉड है ना, इसको हम लोग एक्सेल कह रहे हैं. इसका दो साइड में देखो ज्वेल बियरिंग लगा हुआ है. दिस इज ज्वेल बियरिंग और हेयर स्प्रिंग तो इधर है. दिस इज हेयर स्प्रिंग. सोल्डरिंग करके रखते हैं और ये साइड में वायर लगा के इसको इधर स्क्रू लगा के रखता है. सो दैट क्या होता है, इफ इट रोटेट्स, जब ये रोटेट करेगा फिर वो क्या करेगा, अपना जगह में घुमा के लेके आने के लिए हेयर स्प्रिंग काम करता है. उसको पकड़ के रखा है, फिर घुमाएगा, फिर अपना जगह में लेके आ जाता है पॉइंटर. समझ में आ रहा है मेरा बात? यस सर. सर सर, ज्वेल बियरिंग का काम क्या है? ज्वेल बियरिंग एक्सेल को होल्ड करके रखता है. सर सर, वो जो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है ना, वो क्या कर रहा है? मैं अभी तक बोला नहीं उसके बारे में, रुक जाओ. मैं बोला है सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, अभी तक प्रोनाउंस किया है? नो सर, किया नहीं है. तो थोड़ा सा रुको, ठीक है. मैं अभी तक पॉइंटर तक बोला है. क्या बोला है कि ये लाइट वेट पॉइंटर जो है, वो पॉइंटर क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है जब भी करंट फ्लो होता है. फिर उसको रिस्टोर करके कौन लेके आता है, दिस पार्ट, दिस इज द ज्वेल बियरिंग, इधर हार्ड करके रखा हुआ है, सॉरी हेयर स्प्रिंग जो टफ करके रखा है, मैंने पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है, और फिर अपना जगह में घुमा के लेके आ जाता है. इतना तक बोला है ना मैं? रुको, सिलेंडर तो बाद में आएगा, पहले हॉट मैग्नेट को लेके आओ. मैग्नेट ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड रखा ही नहीं है, तब सिलेंडर कहां से आएगा? चलो, आई थिंक जितना तक मैं बताया उतना तक क्लियर है. यस सर. अ कॉइल सिमेट्रिकली प्लेस्ड, अ कॉइल इज सिमेट्रिकल प्लेस्ड. ये जो कॉइल है, ये कॉइल को मैं सिमेट्रिकली प्लेस्ड बिटवीन द सिलिंड्रिकल पोल pole pieces of strong permanent horseshoe magnet. मतलब क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है इसको इक्वल, ये जो कॉयल रखा हुआ था शुरू पे, मैं जो कॉयल बोला था कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर का, ये जो कॉयल है इसका अंदर में क्या होता है, horseshoe magnet रखा हुआ है. देखो दिस इज horseshoe magnet, एक साइड में नॉर्थ एंड दूसरा साइड में साउथ रखा हुआ है. सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर इज माउंटेड सिमेट्रिकली. इसका अंदर में क्या होता है कि एक सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर, पॉइंट टू बी नोटेड, इट शुड बी सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर इज माउंटेड सिमेट्रिकली बिटवीन द कॉनकेव पोल्स, बिटवीन द कॉनकेव पोल्स. देखो ये वाला पार्ट कॉनकेव है ना, कॉनकेव पोल्स का अंदर घुसा दिया ऑफ द हॉर्सशू मैग्नेट. This makes the line of force pointing along the radii of a circle. इसका वजह से क्या होता है, ये वाला जो concave poles लगाया,
ये जो कॉन्केव पोल्स का अंदर में ये रखा हुआ है, ये सिलिंड्रिकल जो पार्ट है, और ये क्या होता है, इसमें जो कॉन्केव पोल्स है, ये कॉन्केव पोल्स का बीच में ये सिलेंडर रखा हुआ है, जिसका देखो ऊपर से जो पिक्टोरियल डायग्राम आ रहा है, ये सिलेंडर का ऊपर वाला पार्ट, बेस ऊपर में और नीचे वाला, ये ऊपर से है, ये जो सर्कल आ रहा है एक्चुअली नीचे क्या है, सिलेंडर है। दिस मेक्स द लाइन ऑफ फोर्स पॉइंटिंग अलोंग द रेडाई ऑफ द सर्कल। ये जो कॉन्केव पोल्स का अंदर में सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर रखा हुआ था, ये जो बीच में जो सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर रखा हुआ था, इट इज माउंटेड सिमेट्रिकली कॉन्केव पोल्स बिटवीन, जो कि रखा हुआ था कॉन्केव पोल्स ऑफ द हॉर्सशू मैग्नेट का बीच में जो रखा हुआ था, और ये जो सॉफ्ट आयरन कोर का जो सिलेंडर है, ये क्या करता है, मेक्स अ लाइन ऑफ फोर्स पॉइंटिंग अलोंग द रेडाई ऑफ द सर्कल। कॉन्केव पोल्स है ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट है कॉन्केव पोल्स है, ये वाला जो सॉफ्ट आयरन कोर है, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ये सिलिंड्रिकल जो कोर है। देखो ये वाला बीच में जो सिलेंडर रखा गया है, और ये सिलेंडर जो रखा गया है इसका बीच में, ये सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड का बीच में जो कॉन्केव पोल्स का बीच में जो सिलेंडर रखा हुआ है, ये क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट करते हैं। और रेडियली देखो ये सर्कल हो गया ना, इधर भी कॉन्केव है इधर भी कॉन्केव है, तो इसके बीच में क्या होता है, रेडियली लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट आयरन कोर है, इसका मैग्नेटिक परमेबिलिटी टू हाई, माने वेरी गुड, माने इसका हाई परमेबिलिटी है, माने थोड़ा सा अगर मैग्नेटिक फील्ड, अगर थोड़ा सा करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, फटक से मैग्नेटिक फील्ड में रिस्पॉन्स करेगा। इसमें जो पार्ट है, ये टर्मिनल रखा हुआ है, ये सर्किट गैल्वेनोमीटर, तो क्या करता है, सर्किट में करंट है क्या दिखाएगा, तो थोड़ा सा करंट अगर फ्लो होगा तो ये क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर का रखा हुआ है, तो सॉफ्ट आयरन कोर का रखा हुआ है, अब क्या करेगा, जब भी इसमें करंट थोड़ा सा भी फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड, मेरा कंसेप्ट मैं पहले से पढ़ा के आ रहा है कि कोई भी मूविंग चार्ज को अगर तुम कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे और थोड़ा सा मूव करेगा तो वो एक्सपीरियंस करता है, मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, वी नो इट। तो इसमें थोड़ा सा अगर करंट फ्लो होगा तो क्या करेगा, फिर ये जो थोड़ा सा मूव करना शुरू करेगा, इसमें थोड़ा सा करंट फ्लो हो गया और मैग्नेटिक, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा है, जैसे इसका थ्रू से करंट फ्लो होगा तो इसका अंदर में जो चार्जेस, जो चार्ज कैरियर्स है, वो लोग मूव करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करना शुरू करेगा, और मूवमेंट करने से क्या करेगा, इधर देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहा है, जो मूव कर रहा है, उसको हिट करेगा, और हिट करने से क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, रोटेट करना मतलब क्या होगा, एल्युमिनियम पॉइंटर को मूव कराएगा, जस्ट डिफ्लेक्शन दिखाना है, कोई मेजरमेंट नहीं है, जस्ट डिफ्लेक्शन दिखाना है, और ये जो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, दिखा के फिर अपना जगह में रिस्टोर करेगा, किसका हेल्प से, वेरी गुड, हेयर स्प्रिंग का प्रेजेंस में क्या करेगा, फिर रिस्टोर कर अपना जगह में पहुंचेगा। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इधर मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, ये दोनों टर्मिनल क्रिएट करके रखा है, तो जब भी इसका थ्रू करंट फ्लो होगा, उसका थ्रू क्या करेगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करंट करेगा, और मूवमेंट करना मतलब, इसका थ्रू मूवमेंट करना मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को अटैक करेगा, कौन, मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा इसमें, क्योंकि सॉफ्ट कोर आयरन है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसको अटैक करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और साथ साथ क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, ये फिर रोटेट करना शुरू करेगा सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, और ये रोटेट करना मतलब क्या करेगा, एक्सल को भी घुमाएगा, और एक्सल घुमाएगा मतलब पॉइंटर इधर से इधर मूव करके आ जाएगा, फिर उसको रिस्टोर करेगा हेयर स्प्रिंग। बताओ कहां पर तकलीफ है, बताओ,
कोई डाउट नहीं है? नो सर। नो सर। ठीक है, बहुत अच्छे से सुनो ये पार्ट ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे साइक्लोट्रॉन हम लोग पढ़ा था ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बोला था ना, हर एक छोटा छोटा टॉपिक उठा के दे देगा इधर से। सो प्रिया ठीक है तुम्हारा, ये सॉफ्ट आयरन कोल्ड सिलेंडर का काम समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो ये वाला पार्ट तो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका है, थियोरी एंड वर्किंग। आई मतलब क्या होता है, करंट फ्लो होता है इसके थ्रू। ए बी जो है दे आर द साइड ऑफ द रेक्टेंगल। कैपिटल ए क्या होता है, ए बी जो कि एरिया ऑफ द कॉइल। और एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। एंड वी नो ये दोनों का अंदर में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है, दैट इज ए साइन थीटा, कैसे आया उसका बारे में फिर बोलने का जरूरत नहीं आई होप्स। सो अगर ये हो जाएगा दैट मीन्स इसमें देखो टाउ मतलब क्या हो गया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही कॉन्सेप्ट मैं जो पहले पढ़ाया। फोर्स फोर्स मतलब क्या हो गया, फोर्स मतलब वही है कि आई बी बी, बी मतलब दिस इज द स्मॉल बी, मतलब दिस डिस्टेंस को स्मॉल बी कहते हैं और दिस डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल ए कहते हैं। तो इसमें देखो आई बी बी नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, कैपिटल एन, और ए साइन थीटा जो है, थीटा का जगह 90 डिग्री बैठ रहा है। तो अगर ये हो जाएगा तो साइन 90 मतलब 1 हो गया, और ए इंटू बी क्या होता है, ए बी, एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल ए। तो यह थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड बी in all positions. ये हो गया लॉजिक। अभी टॉर्क टाउ जो है डिफ्लेक्ट दिस कॉइल थ्रू एन एंगल अल्फा। तो हम अगर सोच रहे हैं कि ये जो एंगल है, टॉर्क जो है, ये टॉर्क डिफ्लेक्ट द कॉइल थ्रू एन एंगल अल्फा, डेफिनेटली, क्योंकि टॉर्क बेसिकली इट इज डेफिनेटली जो रिस्टोरिंग फोर्स है इट इज proportional to deflection angle, 100%, you know it, क्योंकि ये जितना angle deflect करेगा, ये वाला part देखो, ये जितना angle deflect करेगा इधर से इतना, तो फिर वो restore करेगा, इधर से जितना angle करेगा उतना ही force ज्यादा होगा, तो definitely torque is restoring, restoring torque जो है, restoring force जो होता है torque का, it is directly proportional to the angle alpha. और एक बार मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ये होता है कि टॉर्क टाउ डिफ्लेक्ट्स अ कॉइल थ्रू एन एंगल अल्फा। टॉर्क टाउ जो है ये, टॉर्क मतलब क्या होता है फर्स्ट बताओ, दिस इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, राइट। और ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो होगा कितने एंगल में रोटेट कर रहा है, अल्फा एंगल पर। जो एंगल इफेक्ट कर रहा है दैट इज मान लो अल्फा, और ये अल्फा जो है, ये अल्फा जितना ज्यादा होगा तो डेफिनेटली टॉर्क जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क उतना ही ज्यादा होगा। यस सर, सिंपल सा बात है। तो इसीलिए इसका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ज्यादा एंगल घुमाओगे तो ज्यादा रिस्टोर करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा उतना होगा। सो दैट इज इफ यू इज इक्वल, अगर तुम उसको इज इक्वल टू करोगे तो क्या हो जाता है, के अल्फा। के अल्फा हो गया, अगर के अल्फा हो जाएगा दैट मीन्स क्या होता है, के को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज टॉर्सन कॉन्स्टेंट। देखो हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज द टॉर्शन कॉन्स्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। सो टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एंगुलर ट्विस्ट, टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एंगुलर ट्विस्ट। सो इन इक्विलिब्रियम पोजिशन हम लोग कह सकते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डेफिनेटली होगा। जितना डिफ्लेक्ट करोगे, जो फोर्स में डिफ्लेक्ट करता है सिमिलर फोर्स में वो रिफ्लेक्ट करेगा,
अंडरस्टूड? यस सर। सो अगर डिस्टोर्टिंग टॉर्क को के अल्फा लिखोगे और देखो दिस इज द डिस्टोर्टिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या था निबा NIBA लिखा है मैं इसको तो NIBA जो है अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा के इसका नीचे चला गया NBA बाई के और इसमें आई रखा हुआ है राइट एनी डाउट प्लीज नो सर सो NBA बाई के मतलब हो गया दिस इज अ कांस्टेंट टर्म N is equal to number of turns, B मतलब magnetic field, A मतलब area, और नीचे K, 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 K मतलब क्या है? Torsion constant. तो NBA by K हो गया dot I, तो alpha proportional to the I, I और angular जो part है, I और जो angle जो है, angle तुम लोग जानते हैं, जितने angle में deflect कर रहा है, I proportional to the alpha. ठीक है तो इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट बोलो इज दैट क्लियर और नॉट यस सर यस सर यस सो आई इसमें देखो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट सो दैट इज कॉल्ड द स्केल ये वाला जो पार्ट है कि That means I is equal to क्या होता है देखो अगर तुम इधर से लेके जाओगे ये वाला पार्ट को उल्टा कर दो यारो दिख रहा है तुम लोग I is equal to क्या होता है K by NBA into alpha और K by NBA को हम लोग कहते हैं G which is called the कांस्टेंट फॉर ए गैल्वेनोमीटर या फिर हम लोग उसको कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट राइट यस सर थोड़ा सा होल्ड करो इज दैट क्लियर टू यू यस सर सो आप क्या करेगा हम लोग देखो ये वाला जो पार्ट है तो हम लोग फिगर मेरिट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर व्हाट इज फिगर मेरिट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर देखो छोटा छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है फुल सेट क्वेश्चन भी आ सकता है तो इसको क्या कहते हैं द करंट व्हिच प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन ऑफ वन स्केल डिवीजन इन गैल्वेनोमीटर एंड इज गिवन बाई जी इज इक्वल टू आई बाई अल्फा और इसका वैल्यू क्या होता है दैट इज के बाई एनबीए दिस इज कॉल्ड अ फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर The current which produces the deflection of one scale division. Jitna current produce karte hai to deflection of the one scale division matlab kya hai? Look here. Ye wala part dekho. Jitna division hai na. Agar current produce karte hai one scale division produce karte hai. ये कह रहा है कि द करंट विच प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन ऑफ वन स्केल डिवीजन इन द गैल्वेनोमीटर वन स्केल डिवीजन इन द गैल्वेनोमीटर इज गिवन बाय जी इज इक्वल टू आई बाय अल्फा जी इज इक्वल टू होता है आई बाय अल्फा डेफिनेटली देखो ये वाला पार्ट को तुम अगर अच्छे से देखोगे पता चलेगा ये फॉर्मूला कहां से आया G is equal to I by alpha लिख सकते हैं yes, sir. या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं I by alpha मतलब हम लोग ये भी लिख सकते हैं K by NBA right? sir. So that means figure of merit of a galvanometer मतलब the current which produces a deflection of one scale division मैं तुम लोगों को दिखाया
in the galvanometer and is given by G is equal to क्या बन गया देखो I by alpha. Very simple concept. ठीक है yes, sir. कोई डाउट इतना तक प्लीज आस्क सो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं कि सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी कितना सेंसिटिव हो सकता है एक गैल्वेनोमीटर उसका ऊपर काम करते हैं A galvanometer is said to be sensitive if it shows a large scale deflection. अगर ये show करते हैं large scale deflection even when a small current is passed through it and small voltage is applied across it. Simple. नाम सुन के तुम लोग definition बोल पाएगा नाम सुन के automatically तुम्हारा जो definition होता है उसको बोल पाएगा That is what कि अगर लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन होता है जब स्मॉल करंट थ्रू पास करते हैं इसका स्मॉल करंट पास थ्रू होता है एंड इट शोज द लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन और स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड ऑन इट स्मॉल वोल्टेज अगर अप्लाइड हो जाता है तब कहता है उसको सेंसिटिव होता है तो इसमें दो काइंड ऑफ सेंसिटिविटी होता है एक होता है करंट सेंसिटिविटी और एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी हम लोग क्या कहते हैं आई एस इज इक्वल टू अल्फा बाई आई एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है अल्फा बाई वी तो अल्फा बाई आई अगर होगा तो दैट मीन्स एनबीए बाई के और अल्फा बाई वी अगर होगा वी मतलब क्या होता है आई आर और आई मतलब तुम लोग जानता है आई मतलब के बाई एनबीए उसको उल्टा करके इधर लिख दिया दिस इज वोल्टेज सेंसिटिविटी तो अगर तुम इसको लिखोगे देखो एक मजा है इसमें एक चीज ये NBA बाई K जो है इसको हम लोग ऊपर में क्या लिख सकते हैं IS लिख सकते हैं और नीचे R यस सर तो IS मतलब क्या है दिस इज करंट सेंसिटिविटी और इधर तो VS So this is voltage sensitivity. और नीचे R पड़ा हुआ है राइट देखो मैं इसको इधर लिख के रखा है एनी डाउट ऑन इट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर ओके नो सर नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं कि फैक्टर्स ऑन व्हिच सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स किसका ऊपर डिपेंड करता है सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग का गैल्वेनोमीटर किसके ऊपर डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड तुम अगर टर्न बढ़ाओगे तो सेंसिटिविटी भी बढ़ेगा जितना कॉयल का टर्न्स बढ़ाओगे सेकंड क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड बी थर्ड क्या होता है एरिया ए ऑफ द कॉयल एरिया का सब सेंसिटिविटी बढ़ता है नेक्स्ट क्या होता है कि टॉर्शन कॉन्स्टेंट के का वैल्यू बढ़ाओगे के का वैल्यू जो होता है के जो है वो उसका ऊपर डिपेंड करता है And it is simple. If you see this, ये दोनों relations को देखोगे, तो तुम्हारा clear आ जाएगा. ये देख के पता चल रहा है. हम लोग देखो, ये तो current sensitivity है, और ये तो voltage sensitivity है. तो ये देख के पता चल रहा है कि जो I और N होता है directly proportional, as well as V and N also directly proportional. तो first जो part है, तो इसमें मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग? करंट सेंसिटिविटी हो या फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी हो अगर तुम नंबर ऑफ कॉइल बढ़ाओगे सो सेंसिटिविटी बढ़ेगा सिमिलरली हम लोग बी में भी देखो बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आईएस एज वेल एज वोल्टेज सेंसिटिविटी बी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज सेंसिटिविटी तो दैट मींस हम लोग क्या लिख सकते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करोगे तो दोनों सेंसिटिविटी इंक्रीज होता है एंड द थर्ड वन इज एरिया ऑफ द कॉइल देखो ये रिलेशन भी सेम ही आ रहा है
इधर भी ए, इधर भी ए, ऊपर में है, दैट मीन्स क्या होता है, तुम अगर कॉइल का एरिया बढ़ाओगे। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके देखो जो बोल रहा है कि ये एनबीए देख के पता चल रहा है कि नंबर ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड ए मतलब एरिया, ये तीन पार्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आईएस एज वेल एज बीएस, दोनों का साथ इक्वल में है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यस सर। ये तीन देख के पता चल रहा है। एंड द थर्ड वन इज द टॉर्शन कांस्टेंट, ये देखो दोनों नीचे ही है, ये ऊपर में है तो ये नीचे है, तो ये दोनों देख के क्या महसूस कर रहा है कि डेफिनेटली इफ टॉर्शन कांस्टेंट अगर तुम अगर इंक्रीज करोगे तो वैल्यू क्या हो जाता है, घट जाता है, नीचे है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट सेंसिटिविटी। If torsion constant is low, that means sensitivity high. If torsion constant is high, that means overall fraction will be. Torsion constant अगर high होगा तो overall sensitivity बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा, inversely proportional है. Next part क्या होता है, factors by which sensitivity of a moving coil galvanometer can be increased. Simple बात है, ये डिपेंडेंसी देख के तुम लोग पता चल गया और पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, तुम लोग जानते हैं कि अगर एन मैं बढ़ाऊंगा सो दैट मींस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी बढ़ेगा। सेकंड क्या है, देखो बी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे सो दैट मींस बढ़ेगा सेंसिटिविटी। ये दोनों इक्वेशन का खेल है और कुछ नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट एरिया, एरिया बढ़ाओगे सो दैट मींस इंक्रीज होगा। एंड फोर्थ पॉइंट क्या होता है, टॉर्शन कांस्टेंट, ये इक्वेशन देख के बोल रहा है मैं, अगर टॉर्शन कांस्टेंट घटाओगे तो सेंसिटिविटी बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो देखो ये वाला पार्ट तो हो गया, अभी एडवांटेज ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर उसका ऊपर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एडवांटेज क्या होता है, मैं सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट को देखो, कुछ कुछ पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं। नहीं कोई सबको पढ़ सकते हैं, एज द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट पास थ्रू इट, डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल जो है it is proportional, directly proportional to the current pass through it. So, हम लोग linear scale can be used to measure the deflection. हम लोग linear scale use कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जितने angle तुम घुमाओगे, so current pass जितना होगा तो उतना ही angle घूमेगा वो, उतना ही deflection होगा. So, in that case, we can use the linear scale. But most important point, ये point इतना तगड़ा कुछ नहीं है, ये वाला part देखो, moving coil galvanometer का हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं सेंसिटिविटी, हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं एन बी ए और डिक्रीज करते हैं अगर के को घटाएगा तो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सेकंड पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड थर्ड पॉइंट इज व्हाट, कॉइल को अगर तुम इज प्लेस्ड इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पावरफुल मैग्नेट, its deflection is not affected by the external magnetic field. अगर तुम ये पार्ट को, इसको अगर तुमको ये कॉइल को, इसको ये जो कॉइल है, कॉइल को रखा गया है देखो हॉट शू मैग्नेट के बीच में, हम लोग कंस्ट्रक्शन में देखा था, सो इसीलिए बाहर में कोई अगर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसका कुछ इफेक्ट इसका ऊपर नहीं होता है, समझा? ये जो कॉइल है, तुम ना डायग्राम में जाओगे यू विल सी कि ये जो कॉइल रखा गया है ना, ये कॉइल रहता है हॉट शू मैग्नेट का बीच में, एंड हॉट शू मैग्नेट इज अ पावरफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मैग्नेट होता है, इसीलिए तुम अगर इस कॉइल को रखोगे कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए गैल्वेनोमीटर को हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, कोई भी पोजिशन में रख सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड।
एंड द फोर्थ पॉइंट इज द एडीस करंट, तुम लोगों को मैं पढ़ाया नहीं है अभी तक, वो आएगा बाद में। एडीस करंट क्या होता है, द कॉइल, एज द कॉइल इज ओन्ड ओवर मेटालिक फ्रेम, मेटालिक फ्रेम के अंदर में रखा हुआ है, सो इसका थ्रू जो एडीस करंट फ्लो होता है, जो प्रोड्यूस होता है इन द फ्रेम, ब्रिंग द कॉइल टू रेस्ट क्विकली, क्योंकि वो मेटेलिक फ्रेम के अंदर में रखा हुआ है, तो इसका थ्रू एक एडीस करंट क्रिएट होता है। एडी करंट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। एडी करंट जो प्रोड्यूस होता है वो फ्रेम को अपना जगह में पहुंचने के लिए हेल्प करता है। तो बेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट एडी करंट तुम लोग पढ़ा नहीं तो उसको समझाना मुश्किल होगा, तो उससे बेटर है तुम लोग सेकेंड और थर्ड को पढ़ो, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। नंबर वन, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी हम लोग बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग ऑफ NBA एंड डिक्रीजिंग ऑफ K। सेकेंड पॉइंट क्या है, क्योंकि ये कॉइल को हम रखा गया है कि पावरफुल मैग्नेट का ऊपर, पावरफुल मैग्नेट थ्रू रखा, मैग्नेट का बीच में रखा हुआ है, सो बाहर का कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसका ऊपर इफेक्ट नहीं करता है। तो इफेक्ट नहीं करता है बोल के हम लोग का एक सुविधा हो जाता है कि गैल्वेनोमीटर कहीं पे तुम यूज कर सकते हो। तो सेकेंड और थ्री पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, डिसएडवांटेज क्या होता है, ये होता है सेंसिटिवनेस कैन नॉट बी चेंज्ड एट विल, तुम्हारा इच्छा का अनुसार वो चेंज करने नहीं सकेगा, उसका सेंसिटिवनेस घटाना और बढ़ाना तुम्हारा का इरादा का अनुसार नहीं होगा। मैं बता दिया उसका सेंसिटिवनेस बढ़ाना और घटाना क्या करना पड़ेगा, उसको लगा तुम उसको बाहर से कुछ अप्लाई करके, कोई एक्सटर्नल कुछ अप्लाई करके तुम उसको घटाने नहीं सकोगे, डिसएडवांटेज है यह है। तुम्हें अगर सेंसिटिवनेस बढ़ाना है सो उसमें NBA और K का ऊपर डिपेंडेंट है, घटाना है उसमें भी सेमी डिपेंडेंट है। एंड नेक्स्ट पार्ट क्या था, ऑल टाइप्स ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स आर इजीली डैमेज्ड बाय द ओवरलोडिंग, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट आ जाएगा तो क्या होता है, कोई भी गैल्वेनोमीटर्स डैमेज हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई हम लोग पहले वाला चैप्टर में जो पढ़ा था पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज जो पढ़ा था, उसका पहले देखो कि एक RB लिखा होता था मीटर ब्रिज में, देखो रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों होता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर इतना सोफिस्टिकेटेड डिवाइस है, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो जाएगा इट कुड बी डैमेज्ड। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इतना तक ये है, और दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हम लोग गैल्वेनोमीटर को उसको हम नेक्स्ट डे पढ़ेगा, जो कि कन्वर्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और कन्वर्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेगा। बट बिफोर दैट गैल्वेनोमीटर को अच्छा से पढ़ के आओ फॉर नेक्स्ट डे।